पूरी दुनिया जब राजनीतिक संघर्षों, सांप्रदायिक उन्माद, जंग वार के दौर से गुजर रही है, पूरी दुनिया में संसाधनों और संपत्ति पर एकाधिकार करने का एक वार चला हुआ है और उसमें न्याय का गला घुट रहा है, आज जब पूरे विश्व में अध्यात्मवाद और मानवतावाद के ऊपर बाजारवाद, पूंजीवाद, उपभोक्तावाद हावी हो गया है और इंसाफ का और सत्य का गला घुट रहा है, जब पूरी दुनिया में आधुनिकता, पूरी दुनिया में जब आधुनिकता के नाम पर, आजादी के नाम पर अनैतिक यौन संबंध, फ्री सेक्स और असंयम का महिमा मंडन करके मनुष्यता को पुष्टता की ओर धकेला जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख करके अलोकतांत्रिक तरीके से सत्य, न्याय, मानवता, इसको हाशिए पर रख करके पूरी दुनिया को कुछ ताकतवर मुल्क अनडेमोक्रेटिक तरीके से रूल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे यूएनओ हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, हेल्थ, एजुकेशन, सभी क्षेत्रों में कुछ देश पूरे वर्ल्ड को अनडेमोक्रेटिक तरीके से लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जबकि पूरी दुनिया एक भौतिक संघर्षों के दौर से तो गुजर ही रही है, स्वामी विवेकानंद ने इसी धरती पर इसी माह में 120 वर्ष पहले कहा था, मैं यहां अमेरिका में धर्मांतरण करने के लिए नहीं आया हूं, धर्म का उपदेश करने के लिए आया हूं। और इसी धरती पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं अपने अमेरिका के और यूरोप के और दुनिया के उन तमाम लोगों से भी आह्वान करता हूं कि धर्मांतरण का जो कुचक्कर चल रहा है इसको बंद करके लोगों को एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दे। मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, उस महामानव के शब्दों को दोहरा रहा हूं कि मैं अमेरिका की धरती पर धर्मांतरण करने के लिए नहीं आया हूं, धर्म का संदेश देने के लिए, वेदांत का संदेश देने के लिए, वेदों का, विश्व बंधुत्व का संदेश देने के लिए आया हूं, मैं यहां धर्मांतरण करने के लिए नहीं आया हूं। यदि स्वामी विवेकानंद के उन उपदेशों और संदेशों पर ध्यान दिया गया होता और जो धर्मांतता पूरे विश्व में आज चल रही है उसके ऊपर अंकुश लगाया होता तो 9/11 की घटना यहां पर नहीं होती। आज ही के दिन इन्हीं इसी माह में जो उन्होंने इस धरती पर से संदेश दिया था, मैं उन्हीं के शब्दों में उसको दोहराना चाहता हूं। इस मंच से उन्होंने कहा था, सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है, वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही हैं, सभ्यताओं को विध्वंस करती रही हैं और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही हैं। यदि वे विभत्स दानवता, दानवी प्रवृत्ति न होती तो मानव समाज आज की अवस्था में कहीं और अधिक उन्नत होता, पर अब उसका समय आ गया है। 120 साल पहले भी जो कहा था उसको फिर मैं कह रहा हूं, उसी महापुरुष के संकल्पों और सपनों को आपके बीच में रख रहा हूं, पर अब उनका समय आ गया है। मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का, तलवार व लेखनी के द्वारा होने वाली सभी उत्पीड़नों का,
तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध होगी। ये बात उस महामानव ने जो दोहराई थी, यदि ध्यान दिया होता उनके इस संदेश पर, तो आज पूरी दुनिया में सांप्रदायिक युद्ध ना होता।